तुलसीदास द्वारा रचित लक्ष्मण परशुराम संवाद का एक पद हमने पहले पढ़ लिया। आगे के पद में लक्ष्मण कहते हैं, लखन कहा हसी हमरे जाना, सुनऊ देव सब धनुष समाना। काछति लाभ जून धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। छुअत टूट रघुपति न दोसु, मुन बिनु काज करई कतरोसु। बोले चितई पुरुष की ओरा, रेसत सुनई स्वभाव न मोरा। बालक बोल बधौ नहीं तोही, केवल मुनि जड़ जान नहीं मोही। बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्व विदित क्षत्रिय कुल दोही। भुजबल भूमि भूप बिनु कीनी, विपुल बारमहि देवन दीनी। सहस बाहु भुज छेदनी हारा, परसु बिलोक महिप कुमारा। मात पितई जन सोच बस, करशि महिष किशोर। गर्भन के अर्भक दलन, परसु मोर अति घोर। लक्ष्मण जी परशुराम जी से कहते हैं, हंस करके कहते हैं कि हमारी जान में तो, हमारी नज़र में तो हे देवतुल्य ऋषि, सब धनुष क्या है, एक समान है। कोई भी धनुष छोटा बड़ा नहीं है, हमारी नज़र में तो सारे धनुष एक समान ही है। का छति लाभ जून धनु तोरे, जून अर्थ का अर्थ है पुराना, जून का अर्थ है पुराना, क्षति का अर्थ है हानि और लाभ का अर्थ लाभ। किस पुराने धनुष के टूट जाने से आपको क्या हानि हो सकती है और हमें क्या लाभ हो सकता है। देखा राम नयन के भोरे, नयन माने नया, राम ने तो उसे नए के भरोसे देखा था, नया समझ करके राम ने उसे देखा था। और इस पुराने धनुष के टूटने से आपको क्या हानि और हमें क्या लाभ हो सकता है। छुअत टूट रघुपति हिन्न दोसु, और ये जो धनुष है इसको राम ने छुआ और छूते ये धनुष टूट गया, इसमें रघुपति राम का कोई दोष नहीं है। मुनि बिनु काज करे कत रोसु, रोसु का अर्थ है गुस्सा, कि हे मुनि आप बिना काम के किस लिए गुस्सा कर रहे हैं। बोले चितई परुष की ओरा, रेसट सुनई स्वभाव न मोरा। और लक्ष्मण की ये बातें सुनकर के परशुराम जी अपने परश की ओर देख करके बोले, रेसट अरे मूर्ख, सट का अर्थ है मूर्ख, सुनई स्वभाव न मोरा, तूने मेरे स्वभाव के बारे में नहीं सुना है। बालक बोल बधौ नहीं तोई, बधौ का अर्थ है वध करना, कि मैं बालक समझ के तुम्हारा वध नहीं कर रहा हूँ। केवल मुनिजन जड़ जान ही मोही, तुम सिर्फ मुझे एक ऋषि तपस्वी समझ रहे हो, लेकिन मैं बहुत ही वीर व्यक्ति हूँ। बाल ब्रह्मचारी अति कोई, मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ और बहुत ही क्रोधी स्वभाव का हूँ। कोई का अर्थ है क्रोधी, मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ और क्रोधी स्वभाव का हूँ। विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही, और परशुराम जी कहते हैं ये पूरा विश्व जानता है, संसार जानता है कि मैं क्षत्रिय कुल का दुश्मनी हूँ, अर्थात मेरी क्षत्रिय कुल से बनती नहीं है। भुजबल भूमि भूप बिनु कीनी, भूप का अर्थ है राजा, मैंने अपने भुजाओं के बल से इस धरती को राजाओं से विहीन कर दिया, अर्थात मैंने इस धरती के करे जितने भी राजा उन सारे राजाओं को जीत लिया है। विपुल बार महिदेवन दीनी, महिदेवन, महिदेवन का अर्थ है ब्राह्मण, और मैंने राजाओं को जीत करके ये धरती अनेक बार ब्राह्मणों को दान में दे दी है। सहस बाव भुज छेदन हारा, परसु बिलोक महिप कुमारा, महिप कुमार का अर्थ होता है राजकुमार। हे राजकुमार सहस्त्रबाहु, सहस्त्रबाहु एक राजा का नाम है, सहस्त्रबाहु की भुज यानी भुजाएं, सहस्त्रबाहु की भुजाओं को छेदने वाला, काटने वाला ये जो परसा है, इस परसे की ओर तुम्हें देखो। परशुराम जी लक्ष्मण से कहते हैं कि हे राजकुमार सहस्त्रबाहु जैसे पराक्रमी राजा की भुजाओं को भी छेदने वाले, काटने वाले मेरे इस परसे की ओर तुम्हें देखो। और अगले दोहे में कहते हैं, मात पितई जन सोच बस, करशि महिष किशोर, महिष किशोर भी राजकुमार है। हे राजकुमार तुम इस प्रकार की बातें करके अपने माता पिता को क्यों सोच में, चिंता में डाले रहे हो। गर्भन के अर्भक दलन, परसु मोर अति घोर, और परशुराम जी कहते हैं मेरा परसा तो इतना भयानक है कि मेरे शत्रु की पत्नी के गर्भ में यदि उसका कोई भ्रूण पल रहा हो तो उस भ्रूण को भी वह परसा मार देता है। यहाँ गर्भन का अर्थ होता है गर्भ और अर्भ का अर्थ है भ्रूण,